वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपने मेरा आइकिया टूर वीडियो तो देखा ही होगा, तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मेरा आइकिया हॉल वीडियो, यानी कि जो जो चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ की है वो सारी इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा चलेगा, तो प्लीज़ आप बेयर करिए क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हुई है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने परचेज़ की है वो है ये एक स्टील का कंटेनर और इसके साथ है एक ग्लास लिड। मैं आप लोगों के साथ सभी चीज़ें यहीं ओपन करके दिखाने वाली हूँ। तो ये जो कंटेनर है इसके साथ इस तरीके का ग्लास लिड आया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो कंटेनर है वो है, क्योंकि इसका जो स्टील क्वालिटी है वो बिल्कुल भी पतली नहीं है, यानी कि आप अगर इस पर कुछ कुकिंग करते हो तो ये एकदम जल्दी से जलेगा नहीं। तो मुझे ये वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरा फर्स्ट परचेज था वहाँ पे। एंड मैं सभी के प्राइजेस आपको यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइजेस इनके टैग्स पे समझ में नहीं आ रही थी और वहाँ पे इस तरीके के कुछ लेबल्स लगे हुए थे उस पे उनकी प्राइजेस थी। ओके, सो जो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज़ की है वो है ये कंटेनर्स। ये प्लास्टिक कंटेनर्स है। हम काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं या फिर कुछ अगर बच जाता है तो वो हम स्टोर करके रखते हैं, तो उसके लिए ये 17 डिफरेंट साइजेस के बॉक्सेस है, तो वो मैंने परचेज़ किया है। इसकी MRP है 559, बट ये मुझे डिस्काउंट में मिला है तो वो आगे मैं मेंशन कर दूँ। उसके बाद जो मैंने चीज़ परचेज़ की है वो है ये कांच के कंटेनर्स। बहुत ही क्यूट है, मैं आपको इसे एक मिनट ओपन करके दिखाती हूँ। एंड इस पर हल्के हल्के छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं प्रिंट, एंड ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। बहुत बड़े नहीं है, काफ़ी छोटे से है। यहाँ पे अंदर रबर दिया हुआ है जो आपने इसके बीच में लगाकर, मतलब इसे इसके अंदर फिक्स करके आप इसे क्लोज करोगे ताकि ये एयर टाइट जैसे कंटेनर्स जो होता है वो बन जाएगा। तो ये मेरा नेक्स्ट परचेज है, सेट ऑफ 3। उसके बाद जो चीज़ मैंने परचेज़ की है वो है ये किचन नैपकिन्स। तो अगेन इसकी प्राइस है 330। इस टाइप की ये है नैपकिन्स, हम किचन में यूज़ और इसे हैंग करने के लिए भी यहाँ पे लूप्स दिए हुए हैं, तो आप इसे इजीली हैंग करके इसको यूज़ कर सकते हो। मुझे ये अच्छे लगे और बहुत इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, ये अच्छा यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट जो मेरा परचेज है वो है अगेन ये कंटेनर्स। इनकी कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया, और इसको लिड के साथ है। ये 3 कंटेनर्स का सेट है फॉर 223। मैं सभी चीज़ों की अनबॉक्सिंग भी अभी ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था हॉल के साथ वीडियो के साथ ही मैं ये अनबॉक्स करूँगी। इस टाइप की ये कंटेनर है और ये लॉक हो जाती है, यस, तो ये ओपन नहीं होगा। इसकी जो लिड है वो भी काफ़ी अच्छी है और इसको इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। तो सेम ऐसे ही ये 3 कंटेनर्स है और इन दोनों की ये लिड्स है जो मैं फिक्स कर दूँगी। उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये प्लांट लगाने के प्लांटर्स। तो ये अगेन ये भी प्लास्टिक के हैं एंड इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं है कि एकदम दब जाएंगे। आप देख सकते हो मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, बट इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और मेन मतलब इसकी साइज़, ये काफ़ी बड़ी साइज़ के है तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड मेरे यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और मुझे और भी लगाने हैं, तो इस वजह से मैंने ये प्लांटर्स खरीदे हैं। मैंने सेट ऑफ 4 लिया है। जो नेक्स्ट चीज़ मैंने परचेज़ की है वो है ये चॉपिंग बोर्ड। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड था बट मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगा। इसकी MRP है 279 रुपीज़। इसमें 2 आए हैं, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो
चॉपिंग बोर्ड के बारे में क्या ही बताऊँ, बट हाँ ये मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने ये परचेज किया। और हाँ मुझे इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि जो मेरा पुराना है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, तो इसलिए मैंने ये नया परचेज। मेरी नेक्स्ट परचेज है वो है ये स्टैंड। इसकी MRP है 349 रुपीज़। तो ये इस टाइप का है और यहाँ पे इसके अंदर दो इस तरीके के आप देख सकते हो, दो ऐसे ये दिए हुए हैं जो कि हमें यहाँ पे स्क्रू करने हैं इसके साथ, मतलब वो ऐसे ऐसे एक स्टैंड जैसा बन जाएगा। मैं इसे ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें स्क्रू और ये सब अभी फिक्स करना बाकी है, तो जब ये लगेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। बट हाँ ये इस टाइप का है और हाँ ये मेटल है, प्लास्टिक नहीं है, उस वजह से ये काफ़ी हम इजीली धो सकते हैं और इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, ये स्टर्डी मेटल क्वालिटी है। जो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है वो है ये टूल किट। इसमें 17 डिफरेंट आइटम्स हैं आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें। और ये मुझे कुछ इसकी MRP 769 है, बट आई थिंक मुझे ये 549 में पड़ा। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये देख के ही कोई भी बता सकता है कि ये एकदम हैवी क्वालिटी का है, ऐसे नहीं है कि बस देना है इसलिए कुछ भी बना के दे दिया। जो नेक्स्ट परचेज है वो है ये एक्सटेंशन बॉक्सेस। तो अभी काफ़ी हर किसी के घर में एक्सटेंशन बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती ही है, तो इसीलिए मैंने ये लिए क्योंकि मुझे भी एक्सटेंशंस बहुत लगते हैं, क्योंकि जो स्विच बोर्ड्स है हो सकता है कभी वायर शॉर्ट हो या स्विच बोर्ड काफ़ी लंबी हो, तो मेरे घर में वो केस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये परचेज़ किए हैं। ये मुझे बहुत ही रीजनेबल रेट में मिला है, आई थिंक 449 या ऐसे कुछ, और उसमें सेट ऑफ 2 है और एक में 8 प्लग पॉइंट्स है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी तक मैंने इसे यूज़ करके देखा नहीं है तो मैं वो देखूँगी बाद में। जो नेक्स्ट एंड मैंडेटरी परचेज है, अगर जब भी हम मॉल में जाते हैं तो अनिकेत डेफिनेटली इस टाइप के जो हैंड वॉश कंटेनर्स होते हैं उसको अट्रैक्टिव फील होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, हमेशा जहाँ भी जाओ हम एक तो परचेज करते ही है। एंड सेम हमने आइकिया में से भी एक लिया है। इसका जो ये प्लास्टिक मटीरियल का है और इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, आई मीन ऐसे बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो जाएगा, ऐसे टाइप का प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड मुझसे ज़्यादा निकेत को अच्छा लगा इसलिए हमने इसे परचेज किया। तो जो नेक्स्ट आइटम हमने ली है वो है ये पिलोज़। ये पिलोज़ का इनर है, तो ये साइज़ है 50x50 सेंटीमीटर यानी कि 20x20 इंचेस। इस टाइप की पैकेजिंग में ये आया एंड मैंने अभी तक ये ओपन नहीं किया है क्योंकि मेरे पास अभी इसका कवर नहीं है, तो कवर मुझे परचेज़ करना है। और ऐसे मैंने दो लिए हैं, तो दोनों सेम साइज़ के हैं एंड वहाँ पे ओपन पीसेस थे, मैंने चेक किया था, ये फिलर मुझे काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट लगा तो इस वजह से मैंने ये दोनों। उसके बाद मैंने ये बॉटल क्लीनर लिया है, इसका प्राइस यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसे होता है बहुत सारी चीज़ों के साथ कि उसके ऊपर जो टैग होते हैं आपको इस पे MRP कहीं दिखाई नहीं देगी और वहाँ जो उनका जो लेबल होता है वहीं से आपको MRP समझ आएगी, तो इसका भी वही केस है। बट इसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी एंड यहाँ पे जो बॉटल क्लीनर्स मैंने देखे हैं यूजुअली जो मेरे पास अभी है करंट, उसको यहाँ नीचे स्पंज होता है जो कि वो बहुत जल्दी निकल जाता है, तो इस वजह से ये वाले जो है ये निकलेंगे नहीं और ये क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने ये फ़ोटो फ्रेम्स लिए हैं, तो ये 4 फ़ोटो फ्रेम्स मैंने परचेज़ की है। इसकी MRP है 223 ईच, बट अगेन किस रेट में मुझे पड़ा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ही। एंड इसका साइज़ जो है वो है 13x18 सेंटीमीटर्स यानी कि 5x7 इंचेस, तो ऐसे मैंने सेम 4 लिए हैं। और इसका एक अच्छा पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे पीछे टेबल स्टैंड भी मिलता है, अगर आपको इसको हैंग नहीं करना है यानी कि टेबल पे रखना है तो वो भी आपको मिलता है, और अगर आपको हैंग करना है दीवार पे तो उसका भी हुक यहाँ पे मिलता है, तो ये मुझे अच्छा लगा। एंड सेम उसी का कॉम्बिनेशन मैंने ये वाली फ्रेम ली है,
तो ये मुझे पड़ी है 979 इसकी MRP है, एंड इसकी जो साइज़ है 40 बाय 50 सेंटीमीटर। एंड इसके भी पीछे आपको हुक्स मिलेंगे दोनों तरफ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी हैंग कर सकते हो और इस तरीके से भी हैंग कर सकते हो। ये मैंने इसका वॉल पे सेट लगाने के लिए ये साथ में लगाऊंगी, इसलिए मैंने परचेज किए हैं सेम। तो मैं हमारी फोटोज़ मुझे इसमें लगानी थी, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है वो है ये एक शेल्फ रैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको स्क्रू करने के लिए यहाँ पे उन्होंने होल्स दिए हुए हैं, आपको इस तरीके से इसे वॉल में फिक्स कर देना है। एंड ये बहुत वुड है, ये वुडन है। इसकी MRP है 850, बट आई थिंक ये मुझे कुछ 500 या उस हिसाब का पड़ा था। इसके बाद जो मैंने चीज़ परचेज की है वो है इस टाइप के वुडन शेल्फ्स। मुझे किचन में मेकओवर करना है तो मुझे इस टाइप की वुडन शेल्फ्स चाहिए थी, उस वजह से मैंने ये परचेज की है। ये है 45 बाय 50 सेंटीमीटर्स, एंड इसकी MRP मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, बट मैं आपको इसकी MRP मेंशन कर दूंगी। और इसके साथ इस टाइप के जो ब्रैकेट्स आते हैं वो मैंने लिए हैं, तो आप इस तरीके से इसको दीवार में फिक्स कर सकते हो। तो ऐसे मैंने दो दो शेल्फ्स लिए हैं एंड चार इस टाइप के ब्रैकेट्स लिए हैं, 2 फॉर ईच। तो ये एक मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा, और ये प्लास्टिक मटेरियल है, बट बहुत ही हार्ड और स्टिफ प्लास्टिक है, तो आई डोंट थिंक ये बेंड होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रूम डेकोर्स में ये देख रखा था, तो मुझे ये अच्छा लगा। जो नेक्स्ट मेरा परचेज है वो है ये एक डेस्क पैड है, और इसकी जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, और ये हीट प्रो यानी कि आप लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर, इसके ऊपर आप लैपटॉप रख सकते हो, ये जल्दी हीट नहीं होगा ऐसे मुझे लग रहा है। और ये मुझे आई थिंक 199 या ऐसे किसी, ये ऐसी कुछ रेट थी इसकी, एंड मुझे ये काफ़ी बड़ा लगा और मुझे इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये परचेज। उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये स्टोरेज बॉक्स। तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आया, इसकी प्राइस है, इसकी MRP है 419, यानी कि 419। मैं इसको ओपन करती हूँ ये, और ये इस टाइप का आता है, एंड इसके अंदर आपको ये स्टिफ ये मिलेगा, आपको यहाँ पे पीछे जिप भी है, तो आपने इसकी जिप पहले तो लॉक करनी होगी। ओके, सो जिप लॉक हो चुकी है, एंड अब हम इस पर ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी, एंड इसका स्टोरेज स्पेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड अगेन इसकी भी क्वालिटी स्टर्डी है, बट हाँ अगर आप इसको ज़्यादा इसके अंदर स्टफ़ कर दोगे तो मुझे लगता है आफ्टर लॉन्ग टाइम ये ऐसे फैल जाएगा, बट आप अगर इसको जितनी इसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप रखोगे तो इसको एज इट इज़ शेप मेंटेन रहेगा। तो ऐसे मैंने दो परचेज किए थे। जो मेरा लास्ट परचेज है वो है ये वाइन ग्लासेस। मुझे वाइन ग्लासेस बहुत पसंद है, एंड कब से मुझे इच्छा थी कि मैं इस टाइप की वाइन ग्लासेस घर पे लूँ। तो इसकी MRP है 559, बट ये मुझे 559 में नहीं और डिस्काउंटेड रेट में पड़ा था। अभी मैं बिल में देख कर आपको बताऊंगी। MRP इसकी 559 थी, बट मुझे लगा चलो 559 में भी ये काफ़ी अच्छे हैं, बट जब मैंने बिल चेक किया तो ये और कम में था, तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। वहाँ पे काफ़ी सारे ग्लासेस एंड कप्स वगैरह थे, बट कुछ की जो थिकनेस है वो काफ़ी कम थी, तो मुझे लग रहा था कहीं वो टूट टूट जाएगी, बट इसकी स्पेसिफिकली थिकनेस काफ़ी अच्छी है, एंड या इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। जिसको ये ग्लासेस पसंद है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड ये मैंने 6 का सेट लिया है।
इस टाइप के बॉक्स में ये आया है। एंड अगर आपको मेरा ये हॉल वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपको इनमें से कोई चीज़ परचेज करनी हो तो मैं इसके जो लिंक्स है, जिनकी भी मुझे लिंक्स मिलती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मेंशन कर दूंगी। एंड आप उनके ऑनलाइन साइट पर जाकर भी परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आप मुंबई एरिया में रहते हो या आप मेरी तरह बहुत ईगर हो और आप मुंबई जा सकते हो तो ज़रूर जाइए। काफ़ी बड़ी स्टोर है तो वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। आप मेरा जो टूर वीडियो है आइकिया का वो ज़रूर देखिए। मैं उसकी लिंक भी आई बटन पे अटैच कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप वो जाके ज़रूर चेक करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो या फिर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे ही एक रेड बटन है, आप उसे प्रेस करके ग्रे बनवा दीजिए। और एक लाइक बटन है, अगर आपको मेरी ये परचेजिंग पसंद आई हो एंड आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ उस लाइक बटन को प्रेस करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ्स।